फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और वेलकम टू माय 73 डेज ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। आज हम लोगों का 73 डेज हो जाएगा। और वीडियो ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी स्प्लिट कर दिया है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। और सुबह का टाइम है, ये 9 बजा है और मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। और आज बहुत जोश में भी आ जाती हूँ, जैसे एंडिंग हो रहा है ना तो और जोश में आ जाती हूँ और अच्छे से करती हूँ। तो बस वही है, और 2 दिन है और उसके बाद फिर रिव्यू वीडियो भी मुझे बनाना है। और आज वैसे अभी तो वरुण गए ऑफिस, ऑफिस मतलब उनका जो जहाँ पे काम होता है वहाँ पे, और आ जाएंगे लेकिन शाम तक आ जाएंगे, तो यहीं पे रुकेंगे रात को। फिर कल फिर उनका काम है, तो बस वही है, उनका भी काम चलता रहता है, उनको भी काफ़ी वर्कलोड हो रहा है। और घर पे जब आते हैं ना, बाहर का खाना खा के भी उनको मतलब बिल्कुल और अच्छा नहीं लगता, तो घर पे जब आते हैं तो घर का खाना मिस करते हैं, मेरे हाथ का स्पेशली बहुत मिस करते हैं। बोलते हैं कि घर का दाल चावल भी दे दो ना तो बहुत शांति से एक इंसान खाता है, लेकिन बाहर आप कुछ भी दे दो, वहाँ पे चिकन हो, मटन हो, कुछ भी हो, खा लेते हैं, लेकिन वो जो मतलब शांति मिलती है ना घर पर, आपको इतना अच्छा लगता है, तो वो सब नहीं हो पाता बाहर।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय 73 डेज ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। आज 73 डेज है। मुझे लग रहा था कि कल 73 था, लेकिन आज 73 है। मैंने काउंट किया, आज का एक्सरसाइज मेरा डन हो गया। आज सुबह ही मैंने कर लिया है, और क्योंकि कल बहुत बारिश हुआ था तो मेरा वर्क करना भी इधर उधर थोड़ा हो गया था, तो इसीलिए सोचा कि आज अभी ही मैं कर लूँ। और अभी नहा के भी आ गई हूँ और ऑयलिंग किया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया है, इसीलिए थोड़ा सा ऑयली ऑयली दिख रहा है। वैसे गर्मी काफ़ी है, कल थोड़ा सा बारिश हुआ था, फिर भी काफ़ी गर्मी है। आज बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बहुत लगी है, ऑलरेडी 11 बज चुका है, और यहाँ पे ये मेरा ब्रेकफास्ट है। आज थोड़ा मेरा प्लेट जो है कलरफुल है, और यहाँ पे एक केला है। यहाँ पे ये जो येलो खजूर होते हैं ना, ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और मीठे होते हैं, और कुछ कुछ मीठे लगते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा उसका टेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये चेरीज है, तो और यहाँ पे जामुन, काला जामुन, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक नमक, मैंने काला नमक लगा के रखा हुआ है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है ये, और कपड़े मैंने डाल दिया है आज साफ़ करने के लिए। और वरुण भी 8:30 तक निकल गए थे। अमेजोन से मेरा एक पार्सल आया था, मैंने सोचा कि उसको भी आप ही के सामने ही मैं इसको ओपन कर दूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। ऐसे एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, और ओपन करते हैं। वैसे मैं जब वर्कआउट कर रही थी ना, तभी ये पार्सल आया था। तो मैंने फेशियल किट मंगवाया था, तो ये है आर्यन वेदा का, ये है फ्रूट फेशियल किट। तो मैंने बस, क्योंकि घर पे ही हूँ, कहीं जा नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, तो इसीलिए और एक भी मंगवाया था मैंने, बहुत छोटू सा है। तो ये बायोटिक का है, और बायोटिक का ये फेशियल किट है, और ये 10 रिमूवल किट है, और इसमें भी 6 स्टेप्स हैं। और इसका मैं तो बनाऊंगी, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी कि मैं जब फेशियल करूंगी ना, तब मैं पूरा बनाऊंगी। और ये दोनों मुझे मतलब दोनों मिला के आई थिंक 600 समथिंग का मुझे पड़ा है। और प्रोडक्ट क्वांटिटी तो इसको निकालूंगी तभी पता चलेगा, लेकिन बाहर से पैकेजिंग इसका बहुत अच्छा है, और टेनर है ना जो थोड़ा सा, मतलब मैंने सोचा था कि थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ठीक है, अच्छा, मतलब साइज इसका अच्छा है। और जब मैं करूँगी फिर फेशियल, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज तो नहीं कर पाऊँगी शायद, और 75 ख़त्म हो जाए फिर करूँगी। और मैं बायोटिक का, मुझे बहुत, क्योंकि मैं बायोटिक का टोनर लगा रही हूँ अभी, और मुझे टोनर काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने बायोटिक का देखा तो मैंने मंगवा लिया। और वैसे तो मैं कहीं धूप में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, तो फिर भी टैन रिमूवल तो हर किसी को चाहिए होता है, तो ये रहेगा मेरे पास तो भी, मतलब यूज ही हो जाएगा। और ऊपर से कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर देना, और आवाज़ आ रहा है इसीलिए ही। और मैं अपना फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और जब फेशियल करूँगी शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। और ये शाम का टाइम था, 5:30 हुआ था, और इतना बारिश स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं पानी आ गया है बालकनी में पूरा। तो बस वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पानी कैसे बारिश हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और मेरा डिटॉक्स भी रेडी हो गया है, तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ पहले बारिश कैसे हो रहा है। और आज यहाँ पे थोड़ा सा डिटॉक्स बना लिया था मैंने, जिंजर थोड़ा सा, सिनेमन डाला था, क्लोव्स 2, और ब्लैक पेपर, बस इतना ही था। और नींबू और पुदीना ये तो डालती ही हूँ मैं, जैसे करके भी, नहीं तो पिया नहीं जाएगा, कड़वा होता है ना, आप मतलब खाली सिनेमन और बाकी सब चीज़ें देने से ना, मतलब बहुत कड़वा लगता है। अभी ये डिनर टाइम हो चुका है, और डिनर में आज थोड़ा सा मैंने, आज डिनर में मैं दूध नहीं ले रही हूँ, मिल्क नहीं ले रही हूँ, या फिर कॉफ़ी भी नहीं ले रही हूँ। और आज वरुण के लिए मैंने सूप बनाया, तो ये मेरे लिए भी ये सूप है। और वेज जो स्टॉक बनाया था मैंने, काफ़ी था, रख देती हूँ आराम से, क्योंकि ये बेड में नहीं तो गिर जाएगा फिर। और यहाँ पे मशरूम है, पनीर है, कॉर्न है, वेजीज है,
तो आज सूप पीने को मन किया तो वरुण ने बोला कि आज सूप ही बना और कुछ नहीं, रोटी सब्जी ये सब चीज़ें मन नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने सूप बनाया। जैसे गर्मी जाती है ना, मेरे घर पे सूप ज़्यादा बनता है, बहुत हम लोग मतलब सूप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं और वरुण, हम दोनों को सूप बहुत पसंद है। और ये मेरा वेज सूप है और मैंने कुछ भी इसमें कोई सॉस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डाला है, नॉर्मल ही क्लियर सूप है मेरे में। और जो वरुण का है उनके में थोड़ा सा मैं सोया सॉस विनेगर ये सब चीज़ें डाल दिया है, और मैं इसको भी पी लूँगी क्योंकि गरम गरम ही सूप पिया जाएगा, अच्छे से अच्छा लगता है गरम गरम, तो ठंडा हो जाएगा तो फिर पिया नहीं जाएगा। तो फिर अभी मैं अपना ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। और आज बहुत बारिश भी हुआ है, जैसे मैंने आपको शाम को दिखाया था शायद उस टाइम में, लेकिन जब मैंने आप लोगों को दिखाया उस टाइम में नॉर्मल बारिश हो रहा था, उसके आधे घंटे के बाद पूरा जोर से घमासान बारिश हुआ है, एक घंटा कंटिन्यूस पूरा बारिश हुआ है। लेकिन फिर भी घर के अंदर काफ़ी गर्मी है, बाहर ठंडा है, लेकिन अगर विंडो खोलेंगे डोर खोलेंगे तो घर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है ना कि मच्छर कीड़े ये सब चीज़ें ना यहाँ पे बहुत हो जाते हैं, खास करके ऐसे बारिश के मौसम में शाम के टाइम में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा विंडो और डोर खोल नहीं पा रही हूँ। और अभी नहा के भी आ गई हूँ, शाम को मैंने वॉक किया था घर के अंदर ही, क्योंकि छत पे जाना तो मुश्किल था बारिश की वजह से, और घर के अंदर ही मैंने वॉक कर लिया आधा घंटा 35 मिनट ऐसे किया है, 35 मिनट स्टार्टिंग की होंगी तो 45 मिनट्स तो नहीं हो पाया। और मोर टू डेज और दो दिन बाकी है, दिन बाकी है हम लोगों के ये जर्नी एंड होने का, मतलब फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट वेट लॉस जर्नी, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ करेंगे लेकिन दो तीन दिन का कुछ गैप दे देंगे, तो उसके बाद ही करेंगे। क्या करने वाली हूँ, कब करने वाली हूँ, ये सब तो आपको बताऊँगी, जरूर डिस्कस करेंगे। और जब मैं 75 क्लोज करूँगी ना, मतलब और दो दिन के बाद, आज ये नंबर 73 है तो 74.5 मतलब परसों हम लोग सूप करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी। और अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे नहीं तो मेरा सूप पूरा ठंडा हो जाएगा। और मैं अपना ब्लॉग भी मैं एंड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये जर्नी अच्छा लगा हो, लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम में भी मुझे जरूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहती हूँ। और मुझे मेल कर सकती हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो, कुछ भी क्वेरीज है या फिर मेरे रिलेटेड या 75 हार्ड चैलेंज के बारे में कुछ भी जानना है, आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।